सब्सक्राइब करें एनआईसीटी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें डेली जीएसटी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, एनआईसीटी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको डेली लाइसेंस को सरेंडर कैसे करते हैं वो चीज़ों मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। सरेंडर क्यों करना होता है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर अपने डेली लाइसेंस पर्टिकुलर लैपटॉप में यूज़ कर रहे हो, आप अपने लैपटॉप को फॉर्मेट कर रहे हो या फिर आप लैपटॉप चेंज कर रहे हो, कोई भी लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, आप उस सिस्टम को चेंज कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका जो लाइसेंस है वो उसमें से सरेंडर हो जाए और दूसरे पीसी में आप उसको इंस्टॉल एक्टिवेट कर सको, तो इसके लिए पहले आपको सरेंडर करना ज़रूरी है। अगर आपने सरेंडर नहीं किया और बिना सरेंडर किया आपने दूसरे पीसी में इंस्टॉल कर दिया तो क्या होगा कि जब भी जो भी पीसी फर्स्ट स्टार्ट होगा वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, दूसरे पीसी को एक्टिवेट नहीं होने देगा। तो अगर आपने पहले पीसी में से अगर उसको अनइंस्टॉल सरेंडर कर दिया होगा तो आपको बार बार लाइसेंसिंग का एरर नहीं आएगा। तो आप चाहते हो कि आप अपने पीसी को चेंज करना चाहते हो तो पहले आप अपने लाइसेंस को सरेंडर कर दो। सरेंडर का प्रोसीजर आप समझ लो क्योंकि आपको फ्यूचर में कभी भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इजी सिस्टम है। आपको क्या करना होगा, आपको एक तो आपका ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए, जो भी ये यहाँ पे अकाउंट आईडी लिखा है वो आपको एक पता होना चाहिए। फिर आपका जो टेली एक्टिवेशन पासवर्ड होता है, रीएक्टिवेशन एक्टिवेशन पासवर्ड होता है, वो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया आगे, आप उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा कि आपको टेली को पासवर्ड को अगर आपको नहीं पता है तो उसको रीएक्टिवेट कैसे, रीसेट पासवर्ड कैसे करना है, और आपको टेली अगर आपका सरेंडर हो गया एजुकेशन मोड पर चलाया गया उसको आपको रीएक्टिवेट कैसे करना है, ये सारे वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिए। तो आपको आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप रीसेट करके भी आप अपना नया पासवर्ड सेट कर लें। तो यहाँ पे करना क्या है, देखो यहाँ पे मेरा टेली गेटवे स्क्रीन के यहाँ पे मुझे कंट्रोल सेंटर में जाना है। कंट्रोल सेंटर में मुझे मेरा ईमेल एड्रेस टाइप करना है और मुझे मेरा पासवर्ड टाइप करना है। जैसे आप ईमेल एड्रेस और आईडी मतलब .net आईडी और पासवर्ड टाइप करोगे, यहाँ पे आपका अकाउंट आईडी का पूरा कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लाइसेंस मैनेजमेंट में जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिवेट लिखा है, यहाँ पे एंटर करके फिर आपको बैक प्रेस करना है। यहाँ पे आपको सरेंडर ऑप्शन दिखेगा, इसको आपको एंटर करना है, यस करना है, तो ये आपका लाइसेंस सरेंडर हो जाएगा। ठीक है, अभी सेम चीज अगर आपको जब एक्टिवेट करनी है हमने यहाँ पे देखा था कंट्रोल सेंटर में, ओके अभी यहाँ पे आपको अप्रैल में जाना है, लाइसेंसिंग सरेंडर लाइसेंस यस, यस पट्टी 1984@gmail.com पासवर्ड। जैसे मैंने ये सरेंडर किया, देखो यहाँ पे मेरा एजुकेशनल मोड पे आ गया। अभी मुझे जो भी पीसी में टेली एक्टिवेट करना है यहाँ वहाँ पे आपको सेम स्क्रीन दिखेगा, वहाँ पे आपको रीएक्टिवेट में जाना है, ईमेल एड्रेस टाइप करना है और आपको आपका पासवर्ड टाइप करना है, तो आप अपने दूसरे पीसी में इस लाइसेंस को एक्टिवेट कर पाओगे। तो एवरी टाइम अगर आपको कभी भी अपने पीसी को चेंज करना है, पीसी अपने टेली लाइसेंस को चेंज करना है, तो ये चीज़ आप ज़रूर करें, सरेंडर करके ही आप रीएक्टिवेट करें, नहीं तो आपको बार बार एक्टिवेशन में एरर आएगा, आपका बार बार टेली एजुकेशन मोड पे चला जाएगा। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा बस आपको मैं यही चीज़ सिखाना चाहता था आपको, आपको सरेंडर और रीएक्टिवेशन कैसे करना है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करें और टेली के रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स करें, तो मैं आपको जो भी मेरे नॉलेज के हिसाब से आपके सारी चीज़ अपडेट करता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलेंगे नए वीडियो में नए टिप्स और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।